मीडिया के नुमाइंदों और दीगर अफराद के लिए विजयनगर कॉलोनी में राशन और रमजान किट्स की तकसीम का प्रोग्राम अमल में आया। वाज़े रहे कि यह प्रोग्राम फातिमा सोशल वेलफेयर एसोसिएशन और जनाब मसूद अहमद प्रेसिडेंट आम आदमी फोरम एनजीओ और आगा मुजफ्फरुद्दीन डायरेक्टर ग्रास होपर एंटरटेनमेंट के ताउन से अमल में आया। तो आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे खालिद की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सबसे पहले तो मैं तमाम हिंदुस्तान की आवाम को एडवांस में ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमारे देश में फिर से खुशहाली और बहाली लाए। जो इस वबा की वजह से तमाम लोग जो परेशान हैं, अल्लाह ताला इन तमाम के परेशानियों को दूर करे और सारी दुनिया में इस वबा को ख़त्म करते हुए सारी दुनिया में सुकून और ख़ुशी का अल्लाह ताला आगाज़ करें। और मैं खुसूसन ये बताना चाहूँगा कि मोहतरमा फातिमा मैडम जो फातिमा फाउंडेशन चलाते हैं, उनकी जानिब से अभी तक 5 मरतबा वर्ल्ड सिटी में फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, तकसीम किया गया। और मोहतरमा फातिमा बेगम कोई तारुफ़ मोहताज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, मियारी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला सोशल एक्टिविटीज़ के जज्बा पैदा किया और गरीब आवाम के दुख को परेशानी को देखते हुए इन्होंने सोशल एक्टिविटीज़ का डिसीशन लिया और आवाम की खिदमत के लिए बीच आ चुके हैं। तो आज खुसूसन विजयनगर कॉलोनी में ये तकसीम किया जा रहा है और आज के पैकेज में अनाज के फूड के अलावा, क्योंकि ईद अनखरीब आ गई है तो शुरखुमे का जो ईद का जो सामान होता है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तकसीम किया जा रहा है। और मैं आप तमाम से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए इनके हक़ में दुआ करिए ताकि ये आवाम की और गरीबों की भरपूर मदद कर सके। थैंक यू।